हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुला पॉइंट। साथ ही बच्चों, हमारा नया चैनल कहानी चालीसा को आप लोग प्रमोट कीजिए। इसमें आपको तरह तरह की कहानियां, इंटरेस्टिंग कहानियां मिलेंगी वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 4 सोशल साइंस क्लास 9 के लिए है। टॉपिक है आवर कंट्री इंडिया, सब टॉपिक 2। पिछली बार 1 था ना। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। हम जानते हैं कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ा देश है ये। इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। कई सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो है उनका ये यूनियन है, कॉम्बिनेशन है। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस द कंट्री इज डिवाइडेड। देखिए, अब पूरे इतने देश में एक साथ एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत मुश्किल होता है, तो कंट्री को 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया है। 28 राज्य हैं और 8 यूटीज हैं। स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज। स्टेट किस बेस पे बने हैं? जितने भी 28 स्टेट हैं वो लैंग्वेज के बेस पे बने हैं, यानी सेम लैंग्वेज वाले एक स्टेट में, अदर लैंग्वेज वाले एक स्टेट में। तेलंगाना जो एक स्टेट है बिकम अ स्टेट ऑफ इंडिया ऑन जून 2014। 2014 में ये बना था। इट वॉज प्रीवियसली अ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये पहले आंध्र प्रदेश का पार्ट था। आंध्र प्रदेश से देखिए, ये मैप में आपको दिखाती हूँ मैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तेलंगाना बन गया है, दिख रहा है ना। ये पार्ट था आंध्र प्रदेश का पहले, ये आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना इसका पार्ट। तो अब अलग एक स्टेट बन चुका है। दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल है, पूरे राष्ट्र की, पूरे देश की नेशनल कैपिटल बोलते हैं इसे, राष्ट्रीय राजधानी। एंड राजस्थान का एरिया, जितने भी स्टेट है एरिया के बेस में राजस्थान सबसे बड़ा है। राजस्थान ये है और एरिया के बेस में जितने भी स्टेट्स हैं उन सबसे बड़ा है। पहले नहीं था लेकिन ये स्टेट्स बने हैं डिवाइड होकर, तब से ही बड़ा एरिया इसका है। गोवा सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट स्टेट जो है एरिया के मामले में। स्टेट्स में भी डिस्ट्रिक्ट डिवाइड है, यानी हर स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट है। ऐसे राजस्थान में भी है, जैसे यूपी में भी है। देयर आर 7 कंट्रीज That share land boundaries with India. India के साथ जो land boundary share होती है वो 7 countries हैं। आप उसमें देख सकते हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, ठीक है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब आप देखेंगे कि ये सब के सब, अफगानिस्तान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 countries हो चुकी है। ये 7 countries boundary, land boundary share होती है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। अक्रॉस द सी ऑफ साउथ, साउथ में समुद्र है देखिए, तो जो हमारा नेबर है, हमारा पड़ोसी है, श्रीलंका एंड मालदीव है यहाँ नीचे, ठीक है, श्रीलंका दिख रहा है ना, तो ये हमारे पड़ोसी हैं, पास के। श्रीलंका जो है इंडिया से पाक स्टेट के द्वारा सेपरेट होता है। देखिए, श्रीलंका और इंडिया के बीच में यहाँ पर पाक स्ट्रेट है, यहाँ पे ये दोनों को डिवाइड करते हैं दो अलग कंट्रीज में। नाउ क्वेश्चंस के आंसर पे आते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो स्टार्ट करते हैं। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली। नेम ऑल द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, इंडिया के सभी यूटीज बताइए। तो यूनियन टेरिटरीज जो है अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली है, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख एंड पुदुचेरी, ये हैं नेशनल कैपिटल यूनियन टेरिटरीज। नाउ हमने भी मैप देखा, कोई भी 5 स्टेट के नाम लिखने हैं उनकी कैपिटल के साथ। तो मैंने लिखे हैं जैसे पंजाब, चंडीगढ़ की कैपिटल है, राजस्थान जयपुर, गुजरात गांधीनगर, ये कैपिटल है, ठीक है, कैपी और ये स्टेट्स हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, यूपी, उत्तर प्रदेश लखनऊ, बिहार पटना। तो आप कोई एक स्टेट का नाम बताइएगा और विद उसके कैपिटल, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नेम द 2 स्टेट ऑफ विच शेयर अ कॉमन कैपिटल। 2 स्टेट के नाम बताइए जिनकी एक ही कॉमन कैपिटल है, तो वो है पंजाब और हरियाणा, जिनकी कॉमन कैपिटल चंडीगढ़ है, दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ है, तो कॉमन हो गई ना।
विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है बेस ऑफ एरिया, तो राजस्थान। वो कौन सा वाटरवे है जो श्रीलंका और इंडिया को सेपरेट करता था, हमने पढ़ा था पाक स्ट्रेट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप आपको वाक्य समझ में आ गई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में इंस्टा फेसबुक और ट्विटर के पेज पे भी हमसे आप जुड़ सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।